सो इससे आगे ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक जो शूट कर पाऊँगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय बाबा जी ना ज़रूर लिखना, ठीक है। जय बाबे दी, कैसे हो आप सब? आशा का तो सब अच्छे होने, मौज में होने। दोस्तों आज है संडे, यानी कि एतवार का दिन, यानी कि आज जो है भक्त जो है बहुत सारे बाबा बालनाथ जी के जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों बाबा जी के लगे हैं आजकल मेले, जिस रोड पे जो है बाबा बालनाथ जी का मंदिर है उसी रोड पर जो है अभी मैं जा रहा हूँ। तो आपको जो है पूरा दिखाऊँगा, मंदिर तक जो है जाऊँगा मैं और पूरा दिखाऊँगा आपको कि किस तरह का जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहुंचने वाला हूँ एंट्री गेट पे, जहाँ से कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जो है मंदिर की तरफ जाना होता है। जय बाबे जी, जय बाबे जी, जय बाबे जी। और देखिए सामने बाबा जी का मंदिर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय बाबा बालनाथ जरूर लिखें। देख सकते हो दोस्तों कि जाम लगना जो है शुरू हो चुका है, बट फिर भी आज भीड़ जो है कम है। कल परसों आया था मैं दोस्तों, तो उस टाइम तो बहुत भीड़ थी, यानी कि 2 किलोमीटर पहले से जो है जाम जो है लगना शुरू हो चुका था। आज जो है फिर भी मेरे को हालात सही लग रहे हैं। मोस्टली लोगों ने क्या है कि सुबह सुबह जो है दर्शन कर लिए हैं, तो अभी जो है इतना रश जो है नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो ये मैं पहुंच चुका हूं एंट्री गेट पे, गिटिया हाजी पीर बटालियन। तो यहां से विजयेश्वरी माता मंदिर है दोस्तों, 120 किलोमीटर अवाह देवी 71। लो जी आ गया जी एंट्री गेट, यहीं से जाते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर को। और एक रास्ता जो है ऊपर से भी है, जो कि अभी 1-2 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं। जय बाबे जी। चलो बाबा बालनाथ जी के गुफा दर्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, और जो जहाँ पे लस्सी रोटियां जो निकाली थी बाबा जी ने वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, यानी कि शाहतलाई में। तो ऐसा है, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर ऐसा है कि दोनों जो है बॉर्डर पे पड़ते हैं, एक बिलासपुर के बॉर्डर पे और दूसरा हमीरपुर के बॉर्डर पे। जय बाबा जी। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, जय बाबा जी। मैं बाइक लगा के आता हूँ दोस्तों, बाइक देखते हैं, बाइक लग जाए यहाँ पे तो मैं उतर के जो है दिखाने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ पे भीड़ जो है भाई ज़्यादा है। काफ़ी टाइम के बाद जो है बाबा जी के मंदिर आ रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि बहुत सारा काम जो है चल रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं अभी बड़े बड़े, देखिए। तो और नीचे का दोस्तों जो नज़ारा है वो बेहद सुंदर है, देखिए नीचे का व्यू आप देख सकते हो, पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। अभी तो रश बहुत कम है, देख सकते हो आप, अभी इतना रश नहीं है इतना जितना जो होता है मेले में। सो मैं जा रहा हूँ मंदिर के नीचे वाली साइड को, जहाँ से जो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ।
अभी मैंने पुलिस वाले भैया से बात करी तो उन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं लगना, सिर्फ 5 मिनट में जो अभी दर्शन हो जाने, अभी रश जो है बहुत कम है। सो अभी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। मेरे को यार हेलमेट रखना है, हेलमेट रखना पड़ेगा मेरे को। हेलमेट पे गोप्रो लगाया ना, तो गोप्रो मैं निकाल लूंगा इससे। पहले मुझे हेलमेट से अपना कैमरा निकालना पड़ेगा, मुझे सबसे महंगी चीज इस पे कैमरा लगी मेरी। क्या बात है दोस्तों, क्या किस्मत है यार अपनी। मैंने सोच रहा था, मैंने सोचा कि मैं बार बार तक जो है जाऊंगा और आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा ट्रैफिक हो ना बहुत ज़्यादा तो नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। बट फाइनली दर्शन करने जा रहा हूं बाबा जी के। सो इससे आगे ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक जो शूट कर पाऊंगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय बाबा जी ना ज़रूर लिखना, ठीक है, ताकि बाबा जी आपकी मनोकामना ना पूरी करें। जय बाबा जी। दोस्तों आप सबको जय बाबे जी, फाइनली दर्शन हो गए हैं। सोच नहीं था मैंने कि यार इतने जल्दी दर्शन हो जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट में दर्शन हो गए। वक्त आ चुका घर जाने का। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय बाबा बालकनाथ जी जरूर लिखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बाबा जी।